दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय आप ही लोगों के कमेंट पे है। किसी ने कमेंट किया था कि फ्रेश पट्टे में यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों हमेशा की तरह आप ही के लिए फ़ायदेमंद, कहीं ना कहीं कोई आपको फ़ायदा हो, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है कहीं त्रुटि रह सकती है तो उसके लिए क्षमा करें। तो फ्रेश पट्टे के अंदर यदि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी फ्रेश पट्टे में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अप्रूव्ड तो होती है लेकिन रेरा नहीं होती है, और कई बार दोनों ही चीज़ नहीं होती है। फ्रेश के अंदर कई सोसाइटीज कई रजिस्ट्री के बेस पे या कई तरीके से बेच देते हैं लोग, वो वैलिड नहीं है। तो अब सबसे पहले अप्रूव्ड कहाँ से कराएं, अप्रूव्ड होने के बाद रेरा होता है। रेरा के बारे में कुछ डिटेल्स बताने जा रहा हूँ मैं। तो रेरा से पहले अप्रूव्ड किसी भी विकास प्राधिकरण से यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी से, इसके अलावा नगर निगम से, नगर पालिका से या नगर परिषद से, नगर न्यास से, इसके अलावा UIT, कई शहरों के अंदर राजस्थान के अंदर यदि बात करें तो UIT का मतलब हो गया यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक गवर्नमेंट की बॉडी है। वो प्रॉपर्टी को या रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल इनको अप्रूव करती है। अप्रूव के अंदर क्या होता है कि पहले तो खेती की ज़मीन को आवासीय में कन्वर्ट होता है, तो उसका हो गया 90A और कुछ जगह 90B। 90A 90B का मतलब अप्रूव नहीं हुई फाइनल, केवल उसका भू रूपांतरण होता है। अब वो चाहे कृषि से आपकी आवासीय के लिए हो सकती है, आपकी रेजिडेंशियल सॉरी उसके लिए कॉमर्शियल के लिए हो सकती है, इसके अलावा कोई औद्योगिक के लिए हो सकती है। तो उसके बाद में 90A 90B के बाद का जो प्रोसेस है वो कई जगह लोग नहीं करवाते हैं, वो होता है मेप अप्रूव, यानी कि उस कॉलोनी का या उस टाउनशिप का या उस जगह का नक्शा पास होता है। तो नक्शा पास होता है तब सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, उसमें कितनी रोड रहेगी, कितने कॉमर्शियल एक्टिविटीज रहेगी, किस जगह पार्क रहेगा, कहाँ किस किस जगह सुविधाएं रहेगी, वो सारी चीज़ें जब मेप अप्रूव होता है तब वो चीज़ें फाइनल होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, अप्रूव के बाद में ही आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करें। इसके अलावा रेरा, अब इसके बाद में रेरा कराना कंपलसरी हो गया। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की कोई भी ज़मीन है उसमें प्लॉटिंग करके बेचते हैं तो आपको रेरा करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई लोग बिना रेरा भी बेच देते हैं अप्रूव करा के। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि रेरा से क्या फ़ायदा रहता है, रेरा पे आपको क्या देखना चाहिए। फ्रेश प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, फ्रेश प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसमें रेरा की वेबसाइट पर उस कम्प्लीट टाउनशिप की डिटेल मिलेगी, उस पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं या डेवलपमेंट के कितने खर्चे हैं, इसके अलावा उसके अंदर बैंक डिटेल आती है, उसी बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना रहता है पैसा। रेरा की वेबसाइट पे सारी डिटेल रहती है, इसके अलावा उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं और सारी डिटेल आती है, एक एक प्लॉट वाइज डिटेल आती है रेरा की वेबसाइट पे। आप थोड़ा गहराई से देखें, लेने से पहले देखें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लेने के बाद सर्च करते हैं, आपको लेने के पहले ये सारी चीज़ें देखनी है। रेरा की वेबसाइट पर सारी डिटेल्स मिलेगी, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या नगर निगम है, नगर पालिका UIT है, वो भी कुछ प्लॉट्स है जो रहन रखती है, जिसको गिरवी बोल सकते हैं आम भाषा के अंदर, तो उन प्लॉटों को आपको नहीं खरीदना चाहिए। कई बार बिल्डर डेवलपर उन प्लॉटों को बेच देते हैं, पैसा वो दूसरे अकाउंट में ले लेते हैं, उस अकाउंट में नहीं लेते हैं जिसमें लेना चाहिए, तो वो ध्यान जरूर रखें। कई बार ये धोखाधड़ी हो जाती है तो उसका ध्यान जरूर रखें। वो जो 12.5% गिरवी रखता है या जो रहन रखते हैं वो उस बिल्डर डेवलपर को वो टाउनशिप डेवलप करेगा, उसको पूरी तरीके से फिनिशिंग करेगा, मतलब सारे कम्प्लीटली जो सुविधाएं दी बताई हुई गई है वो सारी सुविधाएं कंप्लीट करता है तो वो रहन फ्री हो जाता है। जैसे लाइट का काम है, रोड का काम है, बाउंड्री का काम है, इसके अलावा गेट का काम है या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, सीवरेज का काम है, ये सारे काम होने के बाद में वो प्लॉट गिरवी है जो छूटते हैं। अब इस चीज़ पर आप हमेशा ध्यान रखें, रेरा की वेबसाइट पे सारी डिटेल चेक करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो ध्यान जरूर रखें,
कहीं भी किसी भी शहर में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ एक या दो तो मिनिमम, हो सकता है कुछ शहरों में ज़्यादा मिल जाए, अच्छे डेवलपर या बिल्डर मिलते हैं जिनकी साख होती है, जिनकी पैठ होती है, जिन्होंने मतलब पुराने अच्छे काम किए हैं, उनके काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई उन पे ज़्यादा केस नहीं चल रहे। हो सकता है केस, क्या होता है रियल एस्टेट का काम है तो नॉर्मली इक्के दुक्के केस तो हर प्रॉपर्टी डीलर पे बिल्डर डेवलपर पे चलते हैं, लेकिन यदि उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है पुराना तो उस पर आप ध्यान जरूर दें। वहां आप करते हैं परचेजिंग तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई, तो बिल्डर डेवलपर की साख देखें। इसके अलावा उनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, मतलब वो आपको जो चीजें दे रहे हैं उनमें कहीं हिडन तो नहीं है कोई चीजें, तो वो चीज आप जरूर देखें। बिल्डर डेवलपर की साख बहुत तो मायने रखती है, इस पे आप जरूर गौर करें। और सबसे जरूरी जो लास्ट में मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि आपके पास पूरा पैसा है, फिर भी आप पूरा पैसा कभी भी किसी प्रॉपर्टी डेवलपर से या एसोसिएट से या एजेंट से ये नहीं बोलें कि मेरे पास कंप्लीट पैसा है। ऐसा होते हुए भी आपको लोन की बात करनी चाहिए। लोन का बोलते हैं तो यदि उसमें कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो सेल्समैन शक पका जाता है, तो ये ध्यान जरूर रखें। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको 10 लाख, मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख का लोन तो लेना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। 10 लाख का लोन लेते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है, हो सकता है 1-2 महीने का ब्याज और चला जाएगा, तो 20-30 हज़ार में आपकी पूरी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। तो ये ध्यान जरूर रखें, लोन जरूर लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का 50%, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी का जो मकान खरीदते हैं उसमें 50% पैसा जाता है, बाकी 50% में खर्चे हैं, घर खर्च हैं, इसके अलावा कोई फंक्शन, शादी ब्याह, सामाजिक जो रीति रिवाज है वो निभाते हैं, उनमें खर्च होता है। तो ये ध्यान जरूर रखें, लोन जरूर लें और लेने से पहले चेक जरूर करें, लेने के बाद अधिकतर चेक करते हैं या फंसने के बाद चेक करते हैं या उसके बाद कॉल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं 926। इसके अलावा आप यदि करते हैं तो व्हाट्सअप या जो भी करते हैं तो उसका जवाब मैं जरूर देता हूँ, कई बार व्यस्तता की वजह से समय लग सकता है, तो इसी तरह आप समय बनाए रखें। कमेंट जरूर करें और सबके हित का कोई ऐसा सब्जेक्ट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या आपको कोई वीडियो में कमी लगती है तो उसके लिए सजेस्ट जरूर करें। दोस्तों इसी तरह समय बनाए रखें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और शेयर करें क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, किसी न किसी को फायदा होता है, और मेरे को ये खुशी होती है कि कोई आदमी को मेरी वजह से फायदा होता है तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है। दोस्तों इसी तरह से आप समय बनाए रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।